देखिए, इफ दिया हुआ है कि एक्स रूट अंडर वन प्लस वाई रूट अंडर वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, प्रूव डैट दिस। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं हम लोग, इसमें इसको एक तरफ कर देते हैं, एक्स रूट अंडर वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस का वाई रूट अंडर वन प्लस एक्स। अब इसमें स्क्वायरिंग कर देते ताकि रूट हट सके, बाई स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में वन प्लस वाई, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इधर जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में वन प्लस का एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कॉमन है एक्स वाई, यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ पे एक वाई बच जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखिए एक्स वाई यहाँ पर है इंटू में एक्स माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ माइनस, इसको एक बार माइनस प्लस में लिख देंगे ना, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, इससे इसे काट सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, जैसे एक्स वाई इक्वल टू में माइनस का एक्स माइनस का वाई इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो एक्स वाई प्लस का वाई इक्वल टू में माइनस का एक्स, ये ना होगा जी। चलिए अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से वाई कॉमन कर लेंगे तो आप इसे एक्स प्लस वन लिख सकते हैं और इक्वल टू में इधर माइनस का एक्स, यानी वाई इक्वल टू में आ जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे हम, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन इंटू में आपका एक्स प्लस वन ऐसे ही, फिर माइनस माइनस एक्स को वैसे ही रख के और फिर इसके नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो वन प्लस जीरो। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का वन और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का कितना हो जाएगा जी, तो प्लस का आ जाएगा एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स है यहाँ पर, चलिए और नीचे आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स से एक्स हटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, या किधर मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का वन, तो इसको इधर चाहे तो ला सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वन इक्वल टू में जीरो हो जाएगा, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7।